नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों, तो तैयार हैं आप हमारे साथ एक स्वादिष्ट और मज़ेदार खाने के सफ़र पे चलने के लिए? आप सोच रहे होंगे ये लाइनें मेरे चैनल पे तो होती नहीं है, लेकिन मैं ये क्यों बोल रही हूँ? इसलिए क्योंकि आज कोई बहुत ख़ास हमारे चैनल पर हमारे साथ है, यस, जिन्हें आप सब बहुत पसंद करते हैं, जिन्हें मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, और वो जो मेरे दिल के बहुत करीब है। सो लेट्स वेलकम माई हस्बैंड खाओ दोस्त संजीव से। नमस्कार खाओ दोस्तों, एक बार फिर मेरी तरफ से भी। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सारे रिक्वेस्ट भेजे कि आप हम दोनों को एक साथ मिस कर रहे हैं और आप हम दोनों को फिर से एक बार देखना चाहते हैं। तो चलिए, आपके रिक्वेस्ट पर हम दोनों आपके सामने हाजिर हैं और अब इसके आगे एक साथ फिर आते रहेंगे और ऐसे ऐसे खूबसूरत व्लॉग्स आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन देखिए, हर बार साथ में आना मुश्किल होता है कभी कभी, क्योंकि इनका भी अपना काम चैनल पर चलता है, हमारा भी अपना चलता है, बट कोशिश हमारी भरपूर रहेगी कि दोनों हमेशा आपके साथ आपको ऐसी ऐसी स्वादिष्ट जगहों पर लेके जाएं और ऐसे ऐसे स्वादिष्ट खाना खिलाएं। तो दोस्तों, आज हम कहाँ हैं? आज हम हैं मुंबई में वसई ईस्ट में, सासूपाड़ा जगह है यहाँ पर, और जैसे कि लता जी को लग रही है गर्मी, इसलिए हमें चलना चाहिए अभी अंदर। तो आज हम आए हैं कच्छ दरबार। कच्छ दरबार यानी कि अब नाम से पता चल गया होगा कि ये है कच्ची खाने का दरबार। तो अब नो डिले, लेट्स गो इनसाइड एंड एंजॉय सम कच्ची फूड दरबार। चलिए। अंदर अच्छा ठंडा, बाहर तो फ्रेंड्स इतनी गर्मी है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो वैसे ना इस रेस्टोरेंट में बहुत सारी जगह है बैठने की, इंडोर भी है, आउटडोर भी है, ऊपर भी जगह है, लेकिन हम सारी जगह देखा है लेकिन सब जगह पर गर्मी इतनी है ना, हमने फाइनली ये छोटा सा एसी सेक्शन हमने चूज किया बैठने के लिए। तो अब हम यहाँ बैठते हैं आराम से और खाना ऑर्डर करते हैं। आइए, काफी अच्छा कच्छ का एम्बियंस और डेकोर बनाया हुआ, सिंपल सा है बट अ वेरी गुड फील ऑफ कच्छ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वाह जी वाह, ये तो पूरे का पूरा कच्छ आ गया हमारे सामने। और रहमान क्या क्या लाया हमारे लिए बताओ? ये अपना कच्छ का स्पेशल सेव टमाटर है। सेव टमाटर, ओके। भरेला रिंगना बटाटा। रिंगना यानी कि बैंगन? बैंगन, ओके। बैंगन और आलू दोनों है। अच्छा अच्छा, ओके। मारवाड़ी कड़ी सर, कड़ी और स्टीम राइस, बाजरा रोटला और जावा रोटला। अरे वाह, लता जी की तो लाइफ बन गई, सब उनके फेवरेट आइटम है। थैंक यू रहमान, एक काम करो खाना लगा दो यहाँ। और अचार और चटनियां भी कितने सारे हैं। ओहो हो, गला संभालना अपना, गले हैं खराब कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और अचार और चटनियां खानी है, है ना? गुड़ भी है, सब मेरी फेवरेट चीजें आज। तो कोई बात नहीं, आज खा लो, बाद में गर्म पानी पी लेना, स्टीम कर लेना। स्टीम, हाँ, स्टीम इनहेलेशन कर लूंगी। So, what's in our thali today? Let's see. दोस्तों, आज हमारी थाली में ना पूरे का पूरा गुजराती खाना है, यानी कि इस रेस्टोरेंट में यानी कि कच्छ दरबार में गुजराती खाना भी मिलता है, काठियावाड़ी खाना भी मिलता है, कच्छ का खाना भी मिलता है, राजस्थानी खाना भी मिलता है। तुमको पता था ये सब? नहीं। और पंजाबी खाना भी मिलता है, हमें खाने से मतलब है। हाँ, और ये क्या है? रोटला है ना? रोटला, तो रोटले के साथ शुरू करते हैं। हमने क्या क्या मंगाया? ज्वार का लग रहा है वैसे मुझे। ये ज्वार का, ये बाजरे का, बाजरे का। मुझे आप वो खिला दो ना प्लीज। अरे हाँ, बड़ा मन कर रहा है। ये है मेथी गोटा बोलते हैं इसे, मेथी गोटा चटनी के साथ डीप फ्राइड है। ओहो हो, जिनके गले खराब रहते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है। खाइए। हाउ इज इट? बहुत ठंडा हो गया लगता है। नहीं, सही है, मुंह जा रहा है, यम्मी है, वेरी टेस्टी। बेसन, मेथी, धनिया पाउडर, अलग अलग फ्लेवर्स पड़े हुए इसके अंदर। वैसे आप लोग शायद जानते होंगे गुजरात में भी ना कई वैरायटी से खाना मिलता है, पता? जैसे नॉर्दर्न गुजरात का टेस्ट अलग, सेंट्रल गुजरात का टेस्ट अलग,
सदर्न गुजरात का टेस्ट अलग, एंड देन काठियावाड़ी कुजीन और कच्छ की कुजीन ये भी अलग. अच्छा अच्छा अच्छा. गुजराती खाना तो अनुमन लोग बोलते हैं ना, थोड़ा मीठा होता है, ऑयली होता है ना, काफी डीप फ्राइड चीजें होती हैं उसके अंदर. कच्छ का खाना बैलेंस ऑफ ऑल फ्लेवर्स. अच्छा, राइट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गुजराती एंड कच्छ का कुजीन. अच्छा अच्छा, ये नहीं पता था मुझे एक्चुअली. क्या खाया तुमने? तो उसपे भी अटकी हुई अभी तक. चटनी भी बहुत टेस्टी है दोस्तों. मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ सेव और टमाटर की सब्जी, काफी फेमस चीज है ये गुजरात की. क्या बात है, हम सेव टमाटर एक्चुअली भेलपुरी और सेवपुरी में यूज करते हैं. ये सेव टमाटर की सब्जी बन गई है. अमेजिंग, वेरी नाइस. स्वीट नहीं है जरा भी. मैं बाजरे की रोटी खाती हूँ. मैं भी सेव टमाटर टेस्ट करती हूँ पहले कैसा है. कैसा? यम्मी. अच्छा, ये वो है मतलब हम लोग घर पे बनाते हैं ना टमाटर प्याज की सब्जी, जो टमाटर प्याज की है वैसी सब्जी लग रही है और उस पे सेव वगैरह डली है तो और टेस्टी लग रहा है. अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ बैंगन. क्या बोला था रिंगना? हाँ, भरेला, रिंगना, बटाटा. रिंगना बटाटा. सॉरी गाइस अगर नाम गलत प्रोनाउंस किया, क्योंकि हम लोग को पूरी वो आती नहीं ना लैंग्वेज. ग्रीन वाले बैगन है ये? हरे वाले? हरे बैगन. ओके, छोटे हरे बैगन होते हैं ना वो है. जो भी है वाइट टेस्टी. वाइट वाइट ऊपर क्या पड़ा है? बटर है कुछ, है क्रीम या बटर, आई डोंट नो, बट है मस्त. वेरी टेस्टी. यस, सही है. कड़ी तो मैं बाद में खाऊंगी चावल के साथ हाथ से. सो गुड वैरायटी एंड काफी ऑथेंटिक टेस्ट वहां का. इवनिंग्स में एक्चुअली फैमिली के साथ आ सकते हैं, कोई ओकेजन पे भी, ऐसे भी, बिकॉज़ दे हैव बुफेज आल्सो ना. इवनिंग में बुफे है और दिन में आला काट है. और बुफे का आई थिंक रेट मंडे टू फ्राइडे 550 रुपया एंड सैटरडे संडे को 650 पर है, अनलिमिटेड. अच्छी बात है, इंक्लूडिंग जीएसटी. जी हाँ, मैं तो देखते हैं 550 प्लस जीएसटी, वो बाद में पता चलता है. अनलिमिटेड बुफे है, अनलिमिटेड. तो दोस्तों हमारा ये कच्छ दरबार का दरबारी खाना जारी है. मजा आ रहा है. लता आपको कैसे लग रहा है बताओ? बहुत, आज की थाली बहुत स्वादिष्ट है. हाँ यार, और हमें आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप बताइए हम कहाँ जाकर और थाली खाएं, मतलब बॉम्बे की भी आसपास की बताइएगा. व्हाई नॉट, बाहर की बताइएगा, लेकिन बाहर जब हम जाएंगे तब खाएंगे, लेकिन मुंबई की तो बता ही दीजिएगा आसपास की. और हम लोग दोनों बहुत दिन के बाद एक साथ शूटिंग कर रहे हैं, मजा आ रहा है. क्यों? खाना खाने का भी मजा आ रहा है पूरा. डबल डबल मजा, गुड एक्सपीरियंस. अब कड़ी चावल की बारी आ गई. क्यों? यस, मैं तो शुरू करता हूँ भाई. ये आया स्टीम राइस. ये लिए चावल, इसके ऊपर डालूंगा मैं कड़ी. ये आहा, ये कड़ी की एक और खास बात है, इन्होंने कहा है कि मारवाड़ी कड़ी है, दही और बेसन की है, लेकिन ये भी स्वीट नहीं है. देखो तो, मैं भी टेस्ट करता हूँ. हाँ देखो, मीठा नहीं है जरा ना. नहीं, नाइस कड़ी, हाँ. कड़ी तो ये हमारी कड़ी के काफी क्लोज लग रही है मुझे तो. वैसे बहुत हल्का सा टिंच ऑफ स्वीटनेस है, वेरी लिटिल, ओवरपावरिंग नहीं है ना. और कड़ी को खाने का मजा तो हाथों से ही आता है. बिल्कुल बिल्कुल, चावल हाथ से नहीं खाए तो मतलब खाए ही नहीं. तो तुम भी लो. मीठे में क्या होता होगा पूछना पड़ेगा गुजरात में, क्या होता है बताइए. गुड़ तो दिया है वैसे. गुड़ से हमारा क्या होगा? कमाल है, एक ही स्टेट में इतने टाइप की कुजीन. या दैट इज वेयर इंडिया इज ग्रेट. मैं पहले ही बोलता तुमको ना, महाराष्ट्र में भी कहीं पे भी जाओ, नागपुर साइड खाना अलग, कोल्हापुर जाओ खाना अलग, पुणे साइड जाओ खाना अलग. ट्रू. और जो कोस्टल ट्रिप की थी मैंने और ऋषिका ने, वहाँ का खाना अलग. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया. तो बताइए रिपोर्ट. बहुत बहुत स्वादिष्ट, धन्यवाद. स्वादिष्ट तो था लेकिन मुझे हैवी लगा थोड़ा. मे बी ये फ्राइड, हमने ये मेथी गोटा और बाकी सब चीज़ों में भी ऑयल जरा प्यार से ही डाला था, और ये जो रोटलों के ऊपर घी लगा था ना, मजा उसी का है. मैं एक्चुअली वही बताऊं, वेज खाने का ना मजा है फिर, नहीं तो तेल और घी का मजा नहीं आएगा फिर. और वंस इन अ वाइल तो चलता है. ये मैं पी रहा हूँ मसाला छाछ, गर्मी की वजह से भी और इस खाने को हजम करने के लिए भी. ठंडी ठंडी है, ज्यादा ठंडी नहीं पी सकती हो. एक सिप लेके अभी इतने अचार खा लिए, इतनी चटनी, अचार नहीं चटनी खाई है बस. जो भी है चलो ये पियो.
ज्यादा ठंडी नहीं है, आई थिंक दही खाली ठंडा है, बर्फ बर्फ नहीं डाली है। कूलिंग, सो नाइस, वेरी नाइस, लवली मसाला छाछ टू एंड अ वेरी गुड लंच। अभी मीठा आने वाला है, रुकिए। तो दोस्तों हमारे सामने आ गया है गुजरात का स्पेशल, कच्छ का स्पेशल मोहन थाल हलवा। वाह, पहले मैं इसे लता जी को खिलाऊंगा क्योंकि ये मीठे की है स्पेशलिस्ट। बताइए, हो एक्सप्रेशन ही सब कुछ बता रहे हैं। हाय हाय हाय, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज आप खा के बताओ ना। अरे इतना कमाल का है, मैंने खिलाया ना, भुना हुआ फ्लेवर होता है ना। हाँ, अमेजिंग। मैंने पता किया, रुको आप। अच्छा, ये क्या है? ओए ओए ओए, ये कहाँ था यार अब तक? Honestly, मैं मीठा बहुत ज़्यादा खा भी नहीं रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा कम खा रही हूँ, but you just cannot stop. It is so well roasted. Roasted, भाई ना, भुना फ्लेवर जो था ना। गुड़, घी से भरा हुआ, और जो बेसन, रवा, गेहूं का आटा, मैदा, सबको इतने इतना proportion कितना सही है हर चीज़ का। मतलब जिसको अगर sweet tooth है ना मेरी तरह, not to be missed at all. इसका तुमको पता है बर्फी भी बनती है सेम चीज को solidify करके, पतीसा जैसा। मोहन थाल इज वेरी फेमस। अच्छा, मोहन थाल। तो फ्रेंड्स, हम अपना आज कच्छ का लंच इस हलवे के मिठास के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये मिला जुला ब्लॉग पसंद आया होगा, और ऐसे कई ब्लॉग अब आते रहेंगे। बिल्कुल आते रहेंगे, और आप देखते जाइए, अगले ब्लॉग का इंतजार कीजिए। तब तक एंजॉय योर हैप्पी हेल्दी लंच।